जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BNC क्लासेस में। जो पॉलिटिकल साइंस में जो हम लोग नागरिकता पे बात कर रहे थे, क्योंकि इसके पहले हमने प्रियम्बल और सब चीज़ें पे बात कर ली थी, तो नागरिकता पे जो भी उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सब हमने बात कर लिया था। आर्टिकल 5 से लेके आपके आर्टिकल 11 तक आपका नागरिकता के बारे में बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकेंड पार्ट में। तो आपका आर्टिकल 5 जो था हमने कल बता दिया था कि 1947 को देश आज़ाद होने के बाद ही जो नागरिकता है, यानी कि कौन नागरिक होगा भारत का, उसके बारे में तीन कंडीशंस के बारे में बात किया गया था। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 6 दूसरा पार्ट, ठीक है। देखिए आर्टिकल 6 उनके बारे में कहता है कि जब देश के विभाजन के बाद जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, ठीक है, जो लोग पाकिस्तान से, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से जो लोग भारत आए वो लोग नागरिक होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो किस कंडीशन में नागरिक होंगे, इसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान बिकेम एन इंडियन सिटीजन इफ ही और इधर ऑफ हिज पेरेंट्स, साफ साफ कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो वो भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके पिता माता या पिता, यानी उसके जो पेरेंट्स हैं, माता और पिता में से कोई भारतीय होना चाहिए, यानी कि भारत में पैदा हुआ होना चाहिए, और हिज ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स में आप ये समझ लीजिए कि उसके उनके जो दादा दादी नाना नानी में से कोई भारत का नागरिक हो, ठीक है, अगर ये कंडीशन वो फुलफिल करता है, वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, उनके पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि 1947 के पहले का जो भारत था, यानी कि भारत और पाकिस्तान में न बटा हुआ वाला पार्ट, अनडिवाइडेड भारत में अगर वो पैदा हुए हैं, तो ऐसे लोग अगर पाकिस्तान से भारत में आते हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, एंड ऑल्सो फुलफिल एनी वन ऑफ टू कंडीशन, ठीक है। ये तो पहला जो कंडीशन है वो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है, ठीक है, और उसके माता पिता नाना नानी या दादा दादी में से अगर कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में अगर जन्म लिया है, तो आगे दो कंडीशन और दिया जा रहा है। अगर ऐसे लोग अगर भारत में आए हैं तो आगे के दो कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन अगर वो फॉलो करते हैं तो भारत सिटीजन हो जाएंगे। पहला, ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948, अगर वो भारत में पाकिस्तान से भारत अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आ गए हैं, ठीक है, ही हैड बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, तो जैसे ही जिस तारीख को वो लोग इंडिया आए हैं, ठीक है, उसी दिन से वो लोग भारत का नागरिक बन जाएंगे, ठीक है। पहला वाला सीधा सीधा समझ लीजिए कि कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जब देश आज़ाद हो गया, ठीक है, भारत और पाकिस्तान बन गए 15 अगस्त 1947 को आपके दो देश अस्तित्व में आ गए, भारत और पाकिस्तान। अब जो पाकिस्तान है वहाँ से अगर कोई आदमी कोई व्यक्ति जो भारत वापस भारत आया, ठीक है, और उसको भारत की नागरिकता चाहिए, तो पहली कंडीशन ये दी गई कि अगर उसके माता पिता दादा दादी या नाना नानी में से अगर कोई भी 15 अगस्त 1947 के पहले वाला जो भारत था, अगर वहाँ में अगर वो पैदा हुए हैं, और अगर वो 19 जुलाई 1948 के पहले अगर वो भारत वापस आया है पाकिस्तान से, तो उसे नागरिकता उसी दिन से दे दी जाएगी। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए वो 19 जुलाई 1948 के बाद वो भारत आया, और ये पहला कंडीशन जो कह रहा है कि ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, अगर ये फॉलो कर रहा है, मतलब ये अगर फुलफिल कर रहा है, इसके साथ अगर पहला कंडीशन नहीं है उसके पास, दूसरा कंडीशन अगर वो फॉलो कर रहा है, मतलब कि वो जुलाई 1948 के बाद अगर भारत आया है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि उसे एज अ सिटीजन के लिए, इंडिया के नागरिक होने के लिए उसे रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बट अ पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड ओनली, वो तभी ऐसे रजिस्टर में, यानी कि रजिस्टर उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा भारत का सिटीजन होने के लिए, और ऐसे रजिस्टर में वो तभी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है जब वो भारत में 6 महीने तक रहा हो, 6 मंथ, ठीक है। तो आर्टिकल 6 उन लोगों के बारे में बात करता है जो
भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे, और ये पहला कंडीशन है कि अगर उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिए हैं, ऐसे लोग अगर पाकिस्तान से भारत आते हैं तो दो कंडीशन है। पहला, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आते हैं तो उन्हें सीधी नागरिकता दे दी जाएगी। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो उन्हें इंडिया के सिटीजनशिप का जो रजिस्टर है उसमें उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और कम से कम इसके लिए उन्हें 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, अगला है आपका आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 बात करता है अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ये बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान चला गया हो भारत से 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई जो व्यक्ति है अगर वो पाकिस्तान चला गया हो, सॉरी, बट लेटर रिटर्न टू इन इंडिया फॉर रिसेटलमेंट। ठीक है, कहने का मतलब इसका ये है कि मान लीजिए अगर कोई क्योंकि 1 मार्च 1947 का डेट दिया है तो 1 मार्च 1947 को तो अभी मतलब कोई आपका कह सकते हैं कि डिवाइड तो हुआ नहीं था भारत और पाकिस्तान का, तो जो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र था वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति चला गया और बाद में जब देश विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, उसके बाद अगर वापस वो इंडिया आता है सेटल होने के लिए तो उसे नागरिकता दी जाएगी किस आधार पे, वो बात करता है आपका आर्टिकल 7। क्या कहता है, कुड बिकम एन इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक हो सकता है, फॉर दिस ही हैड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ प्रिसाइडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर, तो उसे एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन देने के पहले से 6 महीने पहले से वो भारत में रह रहा हो। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 7 कहता है। आर्टिकल 6 कहता है अगर कोई पाकिस्तान से वापस भारत आता है, और दूसरा आपका ये बात कहता है अगर कोई पाकिस्तान चला गया हो 1 मार्च 1947 के बाद और फिर वापस अगर भारत आ गया हो तो उससे जो नागरिकता कैसे दी जाएगी, वो आपका आर्टिकल 7 में बात करता है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 7 तक बात होगी, अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 8। ठीक है, अनुच्छेद 8। ठीक है, देखिए आज जो आपका अनुच्छेद 8 है ये बात करता है कि अ पर्सन हु और एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स, सॉरी, हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया शैल बिकम एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, इसके पहले वाला जो आपका था वो ये बात करता था कि जो आपका आर्टिकल 6 था, कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, ठीक है, और उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में कोई अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो तो उसको कैसे नागरिकता मिलेगी भारत की, उसके बारे में बात करता है। ये आपका जो आर्टिकल 8 है ये बात करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में 1947 के पहले का जो भारत की स्थिति अगर वहाँ पर पैदा हुआ है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। ये आपका बात किया जा रहा है पाकिस्तान के अलावा और भी जो अन्य देशों में जो इंडियंस रहते थे, ठीक है, जैसे आपके ओवरसीज इंडियंस यानी भारत के बाहर रहने वाले जो भी इंडियंस हैं, अगर वो चाहते हैं अगर भारत की नागरिकता लेना तो उन्हें कैसे नागरिकता मिलेगी, इसके बारे में ये बात करता है आर्टिकल 8। तो साफ साफ कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति जो ओवरसीज में है, जो मतलब भारत से बाहर अगर किसी अन्य देश में रह रहा है, तो अगर उसे भारत की नागरिकता अगर उस समय अगर मिलेगी तो वो इस आधार पर मिलेगी कि उसके दादा दादी, माता पिता या नाना नानी में कोई अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो, और अगर वो किसी मतलब भारत के नागरिकता लेने के लिए भारत के नागरिक रूप के रूप में अगर किसी भी डिप्लोमेटिक यानी कि आपका राजनीतिज्ञ सॉरी कूटनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ और काउंसलर, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि आपका जो परिषदीय प्रतिनिधि, परिषदीय प्रतिनिधि के द्वारा या कि अंतर्गत अगर किसी भी जगह पे जहां वो रह रहा हो इसके माध्यम से अगर उसने भारत के नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया हो तो उसे नागरिकता देने के बारे में विचार किया जाएगा या दिया जाएगा, वेदर बिफोर ऑफ द गवर्नमेंट सॉरी कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, या तो वो ऐसा मतलब तभी भी हो सकता है अगर वो संविधान लागू हो गया हो या लागू अभी नहीं हुआ हो तो भी ये आपका इनको नागरिकता मिल सकती है। इसके बाद इसमें कोई डेट का जिक्र नहीं किया गया है, उस समय के बारे में बात किया गया था। और अगला कह रहा है कि ये आपका जो प्रोविजन था, प्रोविजन कवर्स ओवरसीज इंडियन हु मे
वॉन्ट टू अक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, ये ऐसे लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से इनका रिलेशन नहीं था, इसके अलावा अन्य देशों में अगर जो रहते थे और भारत की नागरिकता उनको लेना मतलब वो चाहते थे, तो उनके बारे में यह बात करता है। देखिए जो आपका आर्टिकल 5, 6, 7 और 8, ये चारों आर्टिकल्स बात करते हैं कि नागरिकता किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो जो आपका आर्टिकल 5 है वो मेनली उसके बारे में बात करता है जिसके पास इंडियन डोमिसाइल हो, जिसके पास भारत की मतलब मूल निवासी हो, अगर भारत का मूल निवास हो मतलब वो मूल निवासी हो, इंडियन डोमिसाइल हो जिसके पास, उसके बारे में बात करता है। दूसरा बात करता है कि जो भारत सॉरी पाकिस्तान से इंडिया आया हो, पाक टू इंडिया। तीसरा बात करता है कि वो पाकिस्तान चला गया हो फिर बाद में वापस इंडिया आया हो, ठीक है, पाकिस्तान गया हो, ऐसे समझिए इसे कि पहले वो इंडिया में था, फिर इंडिया से वो पाकिस्तान चला गया और फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया आ गया हो, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 7। और आर्टिकल 8 जो आपका बात करता है ओवरसीज इंडियंस के बारे में, ओवरसीज इंडियंस के बारे में जो अन्य देशों में जो रह रहे हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं उनके बारे में बात करता है आर्टिकल 5, 6, 7, 8। ये नॉर्मल ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके देखे जो आपका ये आर्टिकल 8 हो गया, आर्टिकल 9 जो है वो आर्टिकल 9 आपका बात करता है, कहता है आर्टिकल 9 कि अगर कोई भी भारत का नागरिक, आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई भी भारत का व्यक्ति अगर किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है, नागरिकता अगर वो प्राप्त कर लेता है, वॉलेंट्री अगर वो अक्वायर कर लेता है, तो भारत की नागरिकता इंडियन सिटीजनशिप जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, भारत के नागरिक के रूप में वो वापस मतलब वो नहीं रहता, भारत के नागरिक अब वो नहीं रहा। कहने का मतलब आपको पता होगा, मैंने बात की थी इसके पहले कि इंडिया में जो है आपका सिंगल सिटीजनशिप ही है, तो इसके अलावा अगर वो किसी भी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत का नागरिकता उसकी अपने आप चली जाएगी, ठीक है। अगला वो आर्टिकल 10 कहता है कि अगर कोई भी आर्टिकल 10 इस बारे में बात करता है कि कोई भी भारत का नागरिक होगा अगर संसद उसको नागरिक के रूप में एक्सेप्ट करती है, ठीक है, अगर संसद कोई कानून बना के अगर किसी को नागरिक के रूप में अगर अक्वायर कर लेती है, कहती है कि ये भारत के नागरिक हो सकते हैं, तो वो भारत के नागरिक होंगे। आर्टिकल 11 आपका कहता है कि इस भारतीय संसद को ये पावर दिया गया है कि कौन भारत के नागरिक होंगे, किसकी नागरिकता कैसे चली जाएगी या किसकी नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, इन सब के बारे में जो रूल बनाने का, जो कानून बनाने का, एक्ट बनाने का जो पावर है संसद को, वो आर्टिकल 11 के द्वारा मिलता है, आर्टिकल 11 से, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आपका आया था पहला जो नागरिक अधिनियम बना था, सिटीजनशिप एक्ट बना था आपका, वो था आपका 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। इसके बाद इसे बहुत बार अमेंड किया जा चुका है, लगभग 8-9 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं इसमें। अभी रिसेंटली इसका अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, जो लगभग आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब एक कंट्रोवर्शियल था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था इस जो अभी लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ था 2019 में। तो जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। थैंक यू।